ये जो एक रुपया छपा आप देख रहे हैं, ये किसी समय पर भारत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हुआ करती थी। इसका उद्देश्य था कम कीमत पर शुद्ध पेयजल जनता को उपलब्ध कराना। और इसके ये काफ़ी सारे काउंटर स्टेशंस पर लगाए गए थे, रेलवे स्टेशन पर जहाँ महंगी 15-20 रुपए की बोतल मिलती है, या फिर जो सार्वजनिक पेय व्यवस्था होती है वहाँ पर गंदा पानी मिलता है, उससे निजात दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। देखिए, ये सारी थी इसकी खूबियाँ। और ये पेयजल व्यवस्था कुछ समय तक जनता को मिली भी, लेकिन उसके बाद इसका क्या हाल हुआ वो आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। यह इसी तरह का एक केंद्र जहाँ पर सस्ते पानी की ये व्यवस्था की गई थी, वाटर प्लांट लगाया गया था। और यहाँ पर ये देखिए, इसमें ताले डले हुए हैं, काफ़ी महीनों हो गए या हो सकता है साल भी हो गए हैं तब से ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से बंद है। मतलब इस योजना को पलीता लग चुका है। अब इस पलीता लगने के पीछे रेलवे की कोई योजना थी या षड्यंत्र था, या फिर बड़ी बड़ी जो निजी कंपनियां हैं जिनका पानी शायद बिक ना पा रहा हो, उनका षड्यंत्र था, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन जनता को जो ये वाटर पॉइंट्स बनाए गए थे जिसमें शुद्ध पानी सुरक्षित जल देने का वादा किया गया था, वह पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। वो जो एक रुपया का नोट जो था वो अब जो है वो 20 रुपये में बदल चुका है। आदमी को मजबूरन बोतल खरीदनी पड़ती है। तो क्यों हालात हुआ, क्या वजह रही, इसके बारे में यदि आप में से किसी को जानकारी हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उम्मीद करें कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये योजना फिर से चालू हो सके। धन्यवाद।